इतना बदमाश है, कब से बोल रहा था। मैंने जैसे ब्लॉग चालू किया बलता बंद हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं, 10 तो बज गई हैं। आज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ी सी लेट की है, उठते में नहीं की थी क्योंकि आज मैं थोड़ा सा काम लेके बैठ गई थी सुबह सुबह, जो कि अभी चल ही रहा है क्योंकि अब दिवाली आने वाली है तो साफ सफाई चालू हो जाएगी। और जैसे ही दिवाली आएगी और वैसे मेरा सैलून का और शॉप का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो मैं घर पे टाइम नहीं दे पाऊँगी, तो थोड़ी थोड़ी सफाई है वो स्टार्ट कर दी। कितना ज़्यादा बदमाश है, यानी जब मैंने इसके सामने कैमरा रखा था तब नहीं बोल रहा था, अब बोल रहा है। तो अभी जा रहे हैं हम आज मंदिर और आज चढ़ाना है गणपति बप्पा को भोग। तो कल आए थे हम जैसे कि जो लड्डू, तो वो जाके चढ़ाएंगे भोग। आपको भी चढ़ाएंगे भोग, शांति रखो, खिलाएंगे अच्छा अच्छा वाला लड्डू। ठीक है, तो चलते हैं अभी मंदिर और दर्शन करवाते हैं आपको पप्पा के। अभी यहाँ पर बन चुका है रोड, तो हम चलते चलते जा रहे हैं। ये यहाँ पर रोड बन चुका है पूरा, तो गाड़ी यहाँ तक जा नहीं रही है इसलिए। दर्शन हो चुके हैं, अब चलते हैं घर पे। और आज वापस से निकल गई है तेज धूप एकदम, और गर्मी ज़्यादा लग रही है बहुत। तो अब घर जाके बाकी के काम स्टार्ट करते हैं। आ गई हूँ घर पे और क्या ज़बरदस्त की गर्मी थी बाहर, यानी तो तड़का लग रहा था ज़बरदस्त का, बहुत तड़का लग रहा था। रूम में भी कर रही हूँ थोड़ा सा रीअरेंज, आई होप हो जाए थोड़ा बहुत। शॉप पर कस्टमर भी आने वाले हैं, कॉल्स आ गए हैं, पर थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हैं। शॉप पे गई थी, वापस आई क्योंकि शॉप पर थे कस्टमर, तो कुछ बुकिंग्स थी वो ले ली। आगे शॉप पर भी थोड़ा काम था और अभी बना रही हूँ खाना। खाने में बना रही हूँ ये वेज दलिया, चने की दाल, रोटी, चावल। फटाफट से बना देती हूँ खाना क्योंकि लेट नहीं हुई हूँ, पर 12:30 हो गई है, शॉप के लिए लेट हो जाएगी। आज मैंने काजल लगाई थी तो मैं बन गई हूँ भूत। और आज सब जने आए थे मुझसे मिलने के लिए, मेरी दीदी के दोनों बच्चे, मेरी भाभियाँ, और साथ में ही आई थी मम्मी। और मज़ा आया, पूरा दिन एंजॉय किया। मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो लोग भी बहुत जल्दी जल्दी में आए थे और मैं भी जल्दी में थी। और अभी ज्योति मेरे बालों में बनाने वाली है हेयर स्टाइल, क्योंकि अभी उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस चल रही है हेयर एंड मेकअप को लेकर, सो इसीलिए तो अभी ज्योति कर रही है प्रैक्टिस और मैं बैठूंगी और इन्जॉय करूंगी। आज का शायद ब्लॉग छोटा ही बनेगा क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया है, पर घर जाके अगर कुछ रेसिपी बनाऊंगी तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी। आ गई हूँ घर पर और आज इच्छा है कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की, तो आज बनाते हैं आलू के पराठे। अभी रखूँगी मैं आलू बॉयल करने के लिए, वॉश करके इसमें रख दिए हैं, इनको गैस पर चढ़ा देंगे। ये बॉईल होते हैं तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। आलू हो रहे वो बॉईल और अब मैं बांध देती हूँ आटा। आटा हमको बांधना है थोड़ा टाइट, क्योंकि आटा टाइट बांधेंगे तो हमारा जो आलू का पराठा है वो अच्छा बनेगा, क्रिस्पी बनेगा, प्लस टूटेगा नहीं, सबसे मेन चीज़। तो इसी के लिए आलू पराठे तो मेरे लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए बन रहे, चिकू की तो डाइट में मिल्क ओट्स है। आलू जब तक पकते हैं और आलू का जब तक हम मसाला बनाते हैं तब तक डो को रख देते हैं। इसे आलू बॉईल होके निकाल दिए मैंने और इसको अच्छे से अब छील लिया है और अब इसके
इसको कट करूँगी, लाइक मैश ही करूँगी, बट मैश तो मैं प्लेट में रख के लास्ट में कर दूँगी। अभी कर रहे हैं हम मसाले को फ्राई। लहसुन का तड़का लगाऊंगी इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मसाला तो एकदम परफेक्ट बना है, टेस्ट में भी शानदार है। इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ और कसूरी मेथी डाल देती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसलिए बर्तन हो रहा है छोटा, तो अभी इसको शिफ्ट करेंगे नए बर्तन में और हम एक तरफ आलू पराठे बनाना चालू कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा मसाला है वो ठंडा हो रहा है। हो गया है एक प्लेट वाला तो ठंडा हो गया है। गैस पे चढ़ा दिया है तवा और ये पराठे बनाने के लिए भी ऑयल निकाल देते हैं। पराठे बन चुके हैं, बाप रे इतना कितना स्लिपी हो रहा है। पराठा बन चुका है, आलू का लगभग बन गए हैं पराठे, तो पराठे नॉट पराठा। मैंने मेरे लिए थोड़ी बनाया है, सबके लिए बनाया है। मेरे लिए मैंने डेढ़ पराठा ले लिया है और अब इसको हाथ ऑयल वाले हैं इसलिए टेंशन नहीं। अब मैं मेरे डिनर को कर देती हूँ फिनिश और फिर आपसे मिलती हूँ। ये रील सारी इंस्टाग्राम पर, जल्दी से जाकर लाइक कर देना। आलू के पराठे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, आप सबके लिए भी हैं। अब इनको मैं स्वाद ले लेकर खाऊंगी और चिकन को भी जलाऊंगी। खाना वगैरह सब हो गया और साथ साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रील्स को जाके लाइक कर देना, जो रील्स चिकू एडिट कर रहे थे उसी के साथ एक और फाइल जो आज जो अभी आप व्लॉग देख रहे हो वो एक बार एडिट हो चुका था और कंप्लीट हो गया था, यानी सिर्फ जो मैं बात का शूट करने वाली थी वही एडिट करना बाकी था और कंप्लीट व्यवस्थित एकदम एडिट किया हुआ डिलीट हो गया चिकू से। और क्या चिकू फिर चिड़े हैं, क्यों ना यार, एक डेढ़ घंटे की मेहनत अगर व्यर्थ हो जाए तो फिर अच्छो अच्छो को गुस्सा आएगा, तो चिकू को फिर थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया था। पर वापस बेचारों ने बैठ के पूरा व्लॉग व्यवस्थित वही एडिट किया जो आप अभी देख रहे हो। और चिकू एक तरफ कर रहे थे सेकंड टाइम व्लॉग एडिट और मैंने कर दिया रूम का काम, जैसे कि थोड़ा आज साइड वाला ड्रॉवर क्लीन किया था और अभी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, मेरा सुबह का टाइम वेस्ट नहीं होगा इसलिए। और साथ में मैं ब्लैंकेट भी वॉश कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने मेरी ब्लैंकेट वॉश नहीं की थी, वो वॉश कर रही हूँ मैं साथ साथ में वॉशिंग मशीन में। और बस अब मैं कर देती हूँ यहीं पर व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कर देना और कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में। ओके बाय।